चलिए दोस्तों, आज मैं आपको ध्वनि के डॉपलर प्रभाव के बारे में बताता हूँ। और इस मैं आपको डॉपलर प्रभाव ऐसा बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो माना कि एक व्यक्ति है, ठीक है? तो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है? ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक? दो व्यक्ति हो गए। अब एक व्यक्ति को तो हम क्या मानेंगे? स्रोत मानेंगे, जो आवाज निकालता है उसको हम स्रोत कहेंगे। तो ये तो हो जाएगा हमारा स्रोत और ये हो जाएगा हमारा श्रोता, श्रोता या प्रेक्षक कहेंगे इसको। तो यहां देखते हैं कि अगर ये व्यक्ति आवाज निकालता है तो जो आवाज निकालता है उसको हम क्या मानेंगे? एन आवृत्ति। अब इसको तो हम बाद में देखेंगे आवृत्ति के बारे में, पहले तो हम आपको समझाते हैं क्या है। जैसे कि एक व्यक्ति घंटी बजाता है, हाथ में घंटी लेकर के और डंके की चोट मारता है, तो एक चोट मारी, एक आवाज निकली, फिर ये आवाज आगे निकल जाएगी, फिर दूसरी चोट मारेगा तो इसके पीछे दो चोट चलेगी। तो इस तरह से कई सारी चोटों की एक लाइन बन जाती है और ये लाइन भी उसी अंतराल में इसको सुनाई देती है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी घंटियों की, कितनी कितने डंके बजाए उसने, यानी कितने डंके मारे घंटी पे, उन डंकों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम? आवृत्ति कहते हैं। जैसे कि मान लो कि इसने 10 सेकंड में पहुंची आवाज, मान मान सकते हैं कि हम 10 सेकंड में इस व्यक्ति तक इसके डंके की आवाज पहुंची 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में ही क्या बज 10 डंके बजाए उसने। 1 सेकंड में एक डंका बजाता है तो 10 सेकंड में 10 डंके बजेंगे। तो यहाँ पर एन बराबर कितने मान लेते हैं हम? 10 मान लेते हैं आवृत्ति। तो यहाँ भी इसको क्या 10 ही सुनाई देगी। तो ये क्या एक तरह से लाइन बन जाती है। अगर ये व्यक्ति इसी स्पीड से इससे दूर जाएगा, इसी चार्ज, तो इसको एक ही आवृत्ति सुनाई देगी, मतलब कि एक ही डंके की चोट सुनाई देगी। अगर ये यहां से जो ये डंके की आवाज आ रही है इसकी चाल से भी तेज चाल कर देगा तो इसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं देगी, दूर जाएगा। तो अगर ये बहुत कम समय में दौड़ करके यहां तक आ जाता है, जैसे 10 सेकंड में यहां तक पहुंचती है 10 डंकों की आवाज, तो वो 1 सेकंड में यहाँ आ जाता है दौड़ करके, तो वो सबसे टकराएगा, यानी 10 से टकराएगा। तो यहाँ उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी और यहाँ इसकी आवृत्ति कितनी थी? जैसे कि 1 सेकंड में एक आवृत्ति थी, तो यहां तक पहुंचने में इसको क्या 10। तो इधर से दौड़ करके आएगा तो एकदम से क्या 10 से टकराएगा इतने 1 सेकंड में, और वैसे यहाँ खड़ा रहेगा तो उसके पास में एक एक आएगा, 1 सेकंड में एक आएगा। तो यहां से हमने देखा कि अगर ये इसकी तरफ जाएगा तो आवृत्ति की संख्या बढ़ेगी, और यहां से दूर जाएगा तो आवृत्ति की संख्या घटेगी अपनी जगह से। और ठीक उसी तरह से यहां होता है, अगर ये यहां से इस व्यक्ति की तरफ जाता है तो आवृत्ति की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और ये यहां से दूर जाएगा तो भी आवृत्ति की संख्या घट जाएगी, दूर जाएगा। तो अब इसका हम सूत्र देखते हैं। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र देखते हैं कि एन आवृत्ति, ये तो क्या होगी? श्रोता की आवृत्ति जो सुनता है। बी हो जाएगा हमारा ध्वनि की चाल, और ये हो जाएगी हमारे नीचे बटा में ध्वनि की चाल। ऊपर लेंगे हम प्लस माइनस में ऑब्जर्व, यानी श्रोता की चाल, और नीचे लेंगे हम
स्रोत की चाल। और यहां हम आवृत्तियां, किस आवृत्ति से वह ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो बी ऑब्जर्व यानी कि श्रोता, ऑब्जर्व यानी प्रेक्षक बोलते हैं, श्रोता का वेग है और ये नीचे है स्रोत का वेग यानी कि सोर्स का वेग। अब इसको प्लस माइनस का लिखने का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर श्रोता स्थिर है और स्रोत स्थिर है, दोनों स्रोत है, तो जीरो जीरो हो जाएगा यहाँ, और जीरो जीरो हो जाएगा तो बी बटे बी यानी कि जितनी आवृत्ति से यह बोलेगा उतनी आवृत्ति से उसको सुनाई देगा। अगर हम यहाँ पर स्रोत है तो स्रोत को तो हम क्या करते हैं, स्थिर राग देते हैं, और श्रोता को हम क्या करते हैं, गतिमान कर देते हैं, चलने देते हैं। अगर श्रोता स्रोत की ओर जाएगा तो आवृत्ति संख्या बढ़ेगी, आवृत्ति संख्या बढ़ेगी तो आवृत्ति संख्या कब बढ़ेगी, जब इसको हम माइनस में करेंगे तब। तो अगर ये इसकी तरफ जाता है तो ये इसकी जो चाल है इसको हम क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, आवृत्ति संख्या बढ़ जाएगी। अगर इससे दूर जाता है, दूर जाता है तो आवृत्ति संख्या क्या है, घटेगी, तो इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि इसका भाग देना है ऊपर की में, तो इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब इसी तरह से हम श्रोता की देखते हैं, तो श्रोता की को हम, अगर ये स्रोत की ओर जाएगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो इसको क्या कर देंगे, हम श्रोता की चाल को हम जोड़ देंगे ध्वनि की चाल में। अगर ये दूर जाएगा तो इसकी चाल को हम घटा देंगे क्योंकि आवृत्ति संख्या में क्या है, कम मिलेगी। तो इसी तरह से दोनों कंडीशन है, दोनों की चालों को हम आवश्यकता के अनुसार स्थिर भी कर सकते हैं। अगर एक जगह पर रुका हुआ है तो जीरो कर देंगे, अगर ये गतिमान है तो, अगर अगर एक दूसरे की ओर गति कर रहे हैं तो इसको हम श्रोता की को तो क्या करेंगे, हम नीचे श्रोता है तो अगर एक दूसरे की इसको माइनस में कर देंगे और इसको प्लस में कर देंगे। अगर ये दोनों ही दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तो दोनों क्या कर देंगे, माइनस में कर देंगे क्योंकि दोनों दूर जाएंगे तो आवृत्ति घटेंगे, तो इनको माइनस में कर देंगे। अब माइनस में करने के बाद में आवृत्ति वो क्या वही रहेगी, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसका इसमें भाग देंगे तो बात वही आएगी, तो आवृत्ति वो क्या वही रहेगी। तो हम जो श्रोता है इसकी चाल को हम क्या कर देते हैं, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक ही बोलते हैं, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर यानी कि बी ओ, और सोर्स को बोलते हैं एस ओ आर सी ई, सोर्स में स्रोत, तो इसको बोलेंगे बी एस। तो इसमें हम अपना मान रख करके इनको आसानी से निकाल सकते हैं, डॉपलर प्रभाव। तो यही है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को बताना।